हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी की पावर 3 माइनस के डी इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 cos t, 2 cos t दिया हुआ है और साथ में बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई जीरो की वैल्यू दी हुई है 3 और वाई डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है 2, वाई डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है 2, वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई 1। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना डी की पावर 3 वाई माइनस के डी वाई इज इक्वल टू 2 cos t। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने से पहले डी की पावर 3 वाई की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है भाई, ये है, आपको पता है, इसको लिख सकता हूँ वाई ट्रिपल डैश और डी वाई को जो लिखा जाता है वो होता है वाई डैश के बराबर। तो ये बना वाई ट्रिपल डैश माइनस के वाई डैश ओके इज इक्वल टू 2 cos t। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ही मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा बोथ साइड, ये बनेगा मेरे पास एल ऑफ वाई ट्रिपल डैश माइनस एल ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 2 एल ऑफ कितना बनेगा ये 2 एल ऑफ कोस टी बन गया। इसका फार्मूला लगाया मैंने, हमारे पास होता है एल ऑफ वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है भाई, टी की पावर 3 एल वाई। माइनस पी स्क्वायर वाई जीरो माइनस पी वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो ओके, ये वाली वैल्यू होती है। और ये देखो आप, ये फार्मूला है इधर जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, और साथ में जो होता है हमारे पास कितना होता है भाई एल ऑफ कोस टी का जो फार्मूला होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यही होता है ना ओके। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला रिजल्ट भाई, ये बना मेरे पास पी की पावर 3, पी की पावर 3 थोड़ा सा सही करूँगा इसको, गड़बड़ हो रहा है। ये हुआ पी की पावर 3 एल ऑफ वाई माइनस पी स्क्वायर वाई जीरो माइनस पी वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो और फिर माइनस पी एल वाई का फार्मूला तो आपको पता ही है, ये होगा पी एल वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू होगा 2 पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 1 ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने वैल्यू डाली, मेरे को दे रखा है बट बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 3, वाई डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है 2 एंड वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1 ओके। इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, पुट करने के जस्ट बाद जो है ना मेरे पास जो निकल करके आएगा भाई, अब की बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो देख लेते हैं कितना आएगा यार, छोड़ो
की पावर 3 L/(-P²). पहला स्टेप तो बनेगा पी की पावर 3 L/(-P²) इंटू, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 3 -PY′0, माइनस के 2P हो जाएगा, माइनस के ये 2P बनेगा, अगले वाला माइनस की 1 दे रखी है, और माइनस के 1 के बाद और भी वैल्यू दे रखी है कोई भाई? अच्छा यहाँ वैल्यू डालूँगा, यहाँ ये वैल्यू डाली प्लस के -PLY -PLY, अगले वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस के 3, क्यों वैल्यू दे रखी है ना 3, इज इक्वल टू होगा कितना भाई 2P/(P²+K1। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से एल ऑफ वाई मैंने कॉमन ले लिया, एल ऑफ वाई कॉमन लेने के बाद ये बचा मेरे पास P²-K(P), एक तो ये है, एक ये है, और -K(3P²-K)2P, -K(1+K)3 इज इक्वल टू 2P/(P²+K)1। एल ओ वाई का जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, चलो एक बार इरेज करके जो है थोड़ा सा इसको रिसेट करूँगा मैं, ये हो जाएगा भाई, यहाँ से मैंने पी कॉमन ले लिया, P P²-1 एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 2P/(P²+1) और ये होगा +3P²+2P-K2। ओके एल ऑफ वाई की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकलेगी 2P/P²+K1। ओके और अगले वाला होगा P²-K1 बटे में आ जाएगा, और यहाँ से अगले वाला स्टेप बनेगा कितना भाई प्लस ये होगा 3P², थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, प्लस ये बनेगा 3P²+K(2P-K)2/P इंटू, ध्यान से देखना P×P²-1 का डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा, ये हो जाएगा P-1 और P+K1। ओके देखो आप P²-1 को लिख सकता हूँ P-1 P+1, क्लियर है ना, ये यहाँ जो लिखा। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ये एल ऑफ वाई की जो वैल्यू निकल करके आई कितना निकला, ये हुआ 2P P²+1 P²-1, 2P/P²+1 P²-1। आगे चलते हैं 3P²-2P-K(2P-P²-P=1P P-1 P+1। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर नहीं तोड़ सकते? अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाई यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन, इसके अंदर पार्शियल फ्रिक्शन का यूज़ किया, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन भाई, मैंने बहुत सारे करा दिए हैं यार, कराते कराते परेशान हो गया हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना है 2P है यहाँ पे या कि 2 है, ओके यहाँ एक देखो यार पी से पी कैंसिल भी तो होगा, एक ये जो है ना ये वाला ये देखो यहाँ ये वाला पी जो है ना इसके, ये वाला पी इसके बटन में भी तो होगा ना, यहाँ पी से पी कैंसिल होगा ना ये। ओके
ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये पी होगा यहाँ पे, इस पी से पी कैंसिल हो जाएगा। जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करूँगा, इसको देखो आप क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना। इसको मैंने लिखा टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर टू को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस टी स्क्वायर माइनस वन बटे टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब यहाँ मैंने आंशिक भिन्न का यूज़ करा, पार्शियल फ्रैक्शन का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा माइनस के वन, जैसे ही मैं आंशिक भिन्न का यूज़ करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा मेरे पास, ये वाला स्टेप पूरे का पूरा। इसको सॉल्व करने के बाद इसको, ये आपका होमवर्क है अब की बार, यार बार बार दे रहा हूँ, एमएससी के स्टूडेंट तो आप समझ सकते हो भाई। पहले वाला स्टेप बनेगा टू अपॉन पी, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है यार, ये प्लस ये होगा थ्री अपॉन टू और यहाँ होगा पी माइनस वन, और प्लस ये अगले वाला होगा माइनस वन अपॉन टू और ये होगा पी प्लस के वन। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखो एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, भाई इसको अलग अलग के बटे में लिख दूंगा मैं, पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर माइनस वन माइनस पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर माइनस वन। चलो माइनस वन परेशान करता है, माइनस के वन और प्लस के, ये हो जाएगा टू अपॉन पी थ्री अपॉन टू पी माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन पी प्लस के वन, बन गया ना? अब देखो आप, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, एल ओफ वाई की वैल्यू निकाली, एल ओफ वाई की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी बनी भाई, अब लिखूंगा सारा सही सही करके। वन अपॉन पहला बना पी स्क्वायर माइनस वन, अगले वाला कितना बना वन अपॉन, ये बना पी स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये बना टू अपॉन पी, टू अपॉन पी के बाद प्लस ये बना थ्री अपॉन टू और यहाँ कितना बना भाई पी माइनस वन। मैंने लिखा हुआ यार पहले से ही, वरना फिर जो है वीडियो का टाइम और ये वो जो है कुछ ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैं जो है जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि स्टेप चेंज हो सकते हैं मैं पहले से ही लिख करके रख लूँ इसे। क्लियर? मैंने एल इनवर्स लिया बोथ साइड, तो हो गया एल इनवर्स एल ओफ वाई इज इक्वल टू एल इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन माइनस एल इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एल इनवर्स वन अपॉन पी थ्री अपॉन टू एल इनवर्स पी माइनस वन माइनस एल इनवर्स वन अपॉन टू पी प्लस वन। क्लियर? ये तो खत्म, वाई इज इक्वल टू, ये देखो बेटा पी स्क्वायर माइनस वन का तो होता है साइन हाइपरबोलिक ट्री, इसका तो होता है साइन हाइपरबोलिक ट्री माइनस, अगले वाले का होगा इसका होगा साइन टी, ये होगा साइन टी प्लस इसका होगा टू प्लस थ्री अपॉन टू, ये किस में चेंज होगा, ई की पावर टी के अंदर बन जाएगा, माइनस वन अपॉन टू ये कितना बनेगा, ई की पावर माइनस के टी, ये तो बनेगा ना, और यही आ जाएगा मेरा आंसर। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्रॉस क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, हेल्प के लिए तो हम बैठा है।